हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी बेटा, अब ये चैप्टर क्या है? अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, आपके पास ना कोई इक्वेशन होती थी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और आप इसका डिफरेंशिएट करते थे और यहां से डी वाई बाय डी एक्स निकालते थे, ऐसे होता था कि नहीं? या डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कोई एक्सप्रेशन में ऐसे आंसर कुछ आ जाता था, एम आई राइट? या ऐसे आ जाता था एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस जो है वाई जो है एक्स प्लस 8 इक्वल टू, कुछ ऐसे डेरिवेटिव बन जाता था, बन जाता था कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अब बेटा हमारे पास क्या है, अब हमें ऐसी इक्वेशन दी होगी और हमें पूछा होगा कि ये कौन से एक्सप्रेशन से बनी है। अब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन दी है, ये हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाय डी एक्स मेंशन या डी एक्स बाय डी वाई मेंशन, ओके, डी एक्स बाय डी वाई या डी वाई बाय डी एक्स मेंशन है। तो ऐसी इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकालना, हम कहते हैं सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब ये कौन से एक्सप्रेशन से बनी है, ये कौन से एक्सप्रेशन से बनी है, हमने वो फाइंड आउट कर। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गई बात? चलिए अब हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मतलब पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है। अब बेटा मेरे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत तरह की होती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, कई बार जो है मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, चाहे उसका ऑर्डर 3 आए या ऑर्डर 4 आए, कुछ भी आए, हमें कोई लेना देना, ओके? कई बार ऐसे भी होता है मेरे पास e की पावर में डी वाई बाई डी एक्स प्लस जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू, ये ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि e की पावर में लॉग के अंदर टैन के अंदर a की पावर में कॉन्स्टेंट की पावर में होती डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके? हमने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखना है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर एंड डिग्री, ओके? सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर और डिग्री किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, मैंने कैसे लर्न किया हुआ है। हम कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कहते हैं कि नहीं? सबसे बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव का कौन सा है, यहां पर 2 है ना, ये dy by dx मतलब इसका ऑर्डर 1 है, ये d2y by dx इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका जितना सबसे बड़ा जो ऑर्डर होता है ना वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है, ओके? डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो पावर 1, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, बस, समझ आई? और डिग्री हम तभी निकाल सकते हैं मेरे पास जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर हमेशा निकलेगा पर डिग्री, अगर यही स्टेटमेंट को मैं ऐसे चेंज कर देती, सपोज ई पावर एक्स मेरे पास जो है लॉग डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर है 1 बट इसकी डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री के लिए ये एक तरह का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, इसमें लॉग आ गया,
अच्छा अगर इसी की जगह पे मैं ई की पावर डी वाई बाय डी एक्स या डी टू वाई बाय डी एक्स के, इसका ऑर्डर है टू लेकिन डिग्री नहीं। ये बात समझ आई? ये पहला एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। आगे तो वन नंबर का क्वेश्चन आ जाता था, अब ये भी हो सकता है ना कि टू में वन प्लस वन दो मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, एक में ऑर्डर डिग्री पूछा एक में कुछ और पूछ ले, काम खत्म हो गए। दो पार्ट्स के क्वेश्चन हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये चैप्टर साथ साथ करना, ठीक है, छोड़ना नहीं है अभी इस चैप्टर को। क्लियर, समझ आई बेटा बात? चलो अब पहला मैंने आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताया और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे। अब आप बताओगे कि मेरे पास ऑर्डर और डिग्री क्या क्या हो सकती है। लेट अस राइट डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर टू माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, फिर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन चले, इसका ऑर्डर डिग्री वन, मैक्सिमम की देखनी है, ये नहीं देखनी मैक्सिमम पावर कौन सी है। नो, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, वो डिग्री तो थ्री कह देते हैं, ऑर्डर तो थ्री कह देते हैं और डिग्री कह देते हैं टू, दैट इज रॉन्ग। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी, समझ आ गई? अब आ जाओ इसकी, मेरे पास डिग्री, चलो पहले ऑर्डर बता दो, ऑर्डर डिग्री टू, इसका ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखा। अब पता चल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है नहीं? चलो लेट अस डू जो है मेरे पास। अच्छा एक और, ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है, डिग्री कर भी सकती है नहीं भी, क्योंकि वो नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए उसकी, जिसको हम ना कई बार पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह देते हैं। पॉलिनोमियल का आपको पता ना, एक ही वेरिएबल में इंक्रीज करना, तो यहाँ पर भी है वो डेरिवेटिव में इंक्रीज करना, मतलब लॉग के अंदर साइन के अंदर ई की पावर में, ऐसा मतलब ना आए डेरिवेटिव तो वो मेरे पास ऑर्डिनरी या पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम कहते हैं। ओके चलिए अब लेट अस डू एक्सरसाइज, मेरे पास जो है 9.1। ओके बेटा एक्सरसाइज 9.1 वी विल डू नाउ। हाँ जी एक्सरसाइज 9.1 में बेटा हम क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी विल डू इन एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि अगर ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड करता है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। डिग्री या ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। ओके चलिए तो मेरे पास हो गए डी टू वाई बाय डी एक्स पावर फोर साइन जो है वाई थर्ड ऑर्डर इक्वल टू जीरो। हाँ जी फोर क्या करेंगे, इसका ऑर्डर फोर और डिग्री मेरे पास हो गए यहां पर आपने ले ली वन। ओके बेटा जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर हुआ, जैसे मेरे पास यहां पर अगर देखो फोर्थ ऑर्डर है और एक थर्ड ऑर्डर है, बड़ा कौन सा है फोर, फोर्थ की पावर कितनी मेरे पास, फोर्थ की पावर कितनी है मेरे पास फोर्थ ऑर्डर वाले की पावर, तो डिग्री आपने कहा वन होगी। अब मैं आपको यहां पर बताती हूँ कि जब आप कहते हो ना कि मैम
हमारे पास यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी, यही पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ऑलवेज दे गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस कि मैम हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आंसर आएगा। बेटा जो ऑर्डर मुझे लगता है कि यहाँ पर जब हम कंक्लूजन निकालते हैं ना किसी भी चीज का, एक मिनट बेटा मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, मैंने आप लोगों को हमेशा यही कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर की देखो, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर की तभी देखनी है अगर डिग्री हमारी डिफाइंड ही तभी होती है अगर ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। बट यहाँ है ही नहीं, साइन के अंदर आ गया डेरिवेटिव, ये ऑर्डिनरी नहीं हुई, तो बेटा डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड होगी। सिर्फ पावर नहीं देखने, हम डिग्री डिफाइंड ही उसकी करते हैं जिसकी हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंस। हाँ अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना, सपोज ये लीजिए, ये ऐसे होता तो मैं कहती डिग्री मेरे पास क्या है, मेरे पास डिग्री वन और ऑर्डर फोर, मतलब ये जरूर देखना है कहीं पे मेरे पास कोई आगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ही बता रहा है ना, मतलब जिसको आप पॉलिनोमियल कहते हो, कोई ये तो नहीं है कि e की पावर, अच्छा अगर यहाँ ऐसे भी लग जाता ना e की पावर में डी वाई बाई डी एक्स, तब भी नहीं मैं ले सकती थी, लॉग के अंदर आ जाता तब भी नहीं मैं डिफाइंड कर सकती डिग्री। डिग्री डिफाइंड ही किसकी होती है, आप लोअर क्लासेस में डिग्री कब डिफाइंड करते थे, जब वो क्या थी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती थी। यहाँ हम बात करते हैं पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कई बार कहते हैं। अब बात समझ आई बेटी, ठीक है नेक्स्ट में देखें हमारे पास जो है, लेट अस सी द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हम जरूर कहते हैं हाईएस्ट पावर को देखो, पर पहले देखो भी तो सही ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है मेरे पास। तो लेट अस सी मेरे पास जो है सेकंड क्वेश्चन, ये लीजिए सेकंड में y डैश प्लस ये लो ऑर्डर वन डिग्री वन, काम कर थर्ड मेरे पास हो गए डी एस बाय डी टी, मेरे पास जो है डी एस बाय डी टी पावर फोर, ठीक है प्लस थ्री एस डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर फोर है ऑर्डर टू बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर। मैं सिंपल से ऑर्डर का मतलब कितना बड़ा डेरिवेटिव, हम कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, तो मेरे पास हो गए यहाँ ऑर्डर कितना है टू, अब टू वाले की पावर वन है तो मेरे पास डिग्री कितनी हुई वन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है जी ऑर्डर डिग्री का पता चल गया। ठीक है एक और क्वेश्चन कर ले, लेट अस डू वन मोर, मेरे पास हो गए लीजिए फिफ्थ करते हैं, मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, मेरे पास बताइए ऑर्डर टू डिग्री वन, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ में देखो जरा मेरे पास, लेट अस सी फोर्थ पार्ट दैट इज वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस जो है डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। अब देखो जरा ऑर्डर मेरे पास जो है यहां पर कितना है टू और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि कॉस के अंदर आ गए टेन के अंदर लॉग के अंदर ई की पावर में पहले ही हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, वैसे अगर यहां पर मान लो ऐसे ई की पावर एक्स आ जाता तो ऑर्डर टू डिग्री भी टू
तब ये पॉलिनोमियल ही काउंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि ई पावर एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया जी, तो मैम ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, वो नहीं, तब हम तब उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही काउंट करते। समझ आ गई बेटा? चलिए अब अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सब में डिग्री और जो है ऑर्डर की बात की गई, ठीक है। नाउ लेट अस डू द जर्नल एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या इसका मतलब क्या है ना, पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, अब सेकेंड उसका क्या मतलब है, जर्नल एंड पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, अब जर्नल एंड पर्टिकुलर का मतलब, आपने दो तरह के इंटीग्रल किए, एक आप क्या करते थे कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करते थे, एक डेफिनेट करते थे जब आप लिमिट्स पुट करते थे। जब आपके पास कोई डी वाई बाय डी एक्स प्लस फाइव है इक्वल टू जीरो, आपने क्या किया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव कर दिया, डी वाई को इधर रखा और डी एक्स को इधर रखा, हम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। क्या करना, वेरिएबल सेपरेट मतलब y के साथ y वाली टर्म, x के साथ x वाली टर्म, जो कांस्टेंट होता है वो जहां मर्जी लगा, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके बाद, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे ऐसे। जब आप इंटीग्रेट को सॉल्व करते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, एक साइड पे आएगा। जब मैंने सॉल्व किया, इस साइड पे y आया, इधर माइनस फाइव एक्स आया, प्लस सी आया, आया। अब ये जो कांस्टेंट लगा दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जर्नल सॉल्यूशन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्नल को। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि व्हेन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हेन वाई इज वन एक्स इज जीरो, मतलब हमने पर्टिकुलर निकालना है, मतलब ये निकाल लिया, उसके बाद मैंने x 0 पुट किया, y 1 पुट किया, c की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास, 1 को वापस पुट कर दो, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ये मेरे पास क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ आई, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को, एनी डाउट टू एनी वन? चलिए बेटा आगे, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर देखा था ना, तो ये एक्सरसाइज आप ऑलरेडी डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में कर चुके हो। प्रूव दैट व्हेन वाई इज दिस, प्रूव दैट d2y by dx square plus 7x plus y plus this is equal to, क्या करते थे, जो दिया होता था जितने डेरिवेटिव का है ना, वो निकालते थे और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते थे और राइट हैंड साइड बन जाती थी। की थी कि नहीं, सेम एक्सरसाइज वही, सारी की सारी 9.2, ठीक है। हम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लर्न करनी है ना, हमने प्रूफ करना है कि मेरे पास कि जो सोल्यूशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाकई उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो वो मेरे पास एक्सरसाइज 9.2 पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 और y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y डैश निकाल, y डैश इज e पावर x, y डबल डैश निकाल लो e पावर x, सेम इसका निकाला e पावर x 1 का 0 है ना, y डबल डैश निकाला e पावर x, खत्म। तो मेरे पास अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करूंगी, जब मैं पुट करूंगी e पावर x माइनस e पावर x, आंसर इज 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सारी एक्सरसाइज ऐसी है टोटली, ओके क्लियर।
अब हम अगले 3-4 क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चले, खुद ट्राई करो ठीक है। एक्सरसाइज का हम थोड़ा सा 4th क्वेश्चन करते हैं ठीक है, थोड़े से बड़ी स्टेटमेंट बने, प्रूफ करो। अब क्या करेंगे, अब 2 मेथड्स हैं यहां पर। एक तो है कि मुझे ऐसे प्रूव करना है, तो मुझे पता चल रहा है वाई डैश के साथ 1+x² है कि नहीं। एक मेथड है कि मैं वाई डैश निकालूं ऐसे 1/2 √1+x² चेन रूल लगाऊं 2x, ये कट गया, ये आ गया, एक ये आया है ना। मैं क्या करूं, मुझे पता है ये वाई है, am I right? मैं एक्स ओवर वाई मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पर मेरे पास आंसर तो ये है कि नहीं। फिर मुझे इसको देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड, एक्स वाई 1+x² एक्स इंटू वाई मेरे पास √1+x² /1+x² क्या करूं, मेरे पास कट जाएगा, सेम आ गया कि मतलब जरूरी नहीं है एक ही साइड से कई बार आता, कई बार हमें खुद बनाना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा। समझ आई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, क्लियर बेटा? प्लीज आज का काम है देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने हाफ कर ली है और 1 सेकंड की, वो 1 मिनट की है फर्स्ट एक्सरसाइज में, कुछ नहीं ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है सारे के सारे एक बार सम निकाल लो, जो आपके कहीं कैलकुलेशन में अड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है उसको मार्क कर लो कि बस इस एक्सरसाइज में से हमने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते ना एक्सरसाइज को, ठीक है ना, तो वो करनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, आपको पता है हमारे पास ना 2 तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक होते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट और एक नॉर्मल कॉन्स्टेंट, दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? नहीं पता। हमने इंटीग्रेशन में भी आपको बताया था आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, जो ऐसा कॉन्स्टेंट होता है जो होता तो कॉन्स्टेंट है, हम सी लगाते थे, सी क्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो सी वैल्यू चेंज कर लेता था, उसकी वैल्यू 2 भी आ सकती थी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, डिपेंडिंग अपॉन जो x और y दिया है उसकी वैल्यू पता। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया था ना वेरिएबल सेपरेट करके, मैंने y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसे लिखा था प्लस सी स्क्वायर या ऐसा कुछ भी, और मैंने आपको कहा अगर एक्स 0 है वाई 1 है तो हमने सी की वैल्यू निकाली, है तो वो कांस्टेंट ही ना जो निकली, मान लो 1 निकली कांस्टेंट, अगर यही मैं एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2 कर दूं सी की वैल्यू चेंज हो जाए, है ये कांस्टेंट ही, बट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन, सच टाइप ऑफ कांस्टेंट्स आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, बात समझ आई बेटा? अब बेटा मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि किसी भी जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, मतलब जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सिंपल सी बात है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जो ऑर्डर होता है ना उतने ही हमारे पास उसके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। आपको उसने कहा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या कहोगे, वो कितने ऑर्डर की होगी, 4 ऑर्डर की होगी, बात खत्म, समझ आ गए। अब अगर मुझे ये कहा है कि नंबर ऑफ जो गए, अब ध्यान से सुनना, और ये जो सोल्यूशन होता है ना ये जनरल सोल्यूशन के लिए होता है, पर्टिकुलर के लिए कभी नहीं होता। ये अभी मैंने पर्टिकुलर की बात की, अब पर्टिकुलर में तो वैल्यू चेंज हो जानी,
इसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करूं तो सी वन, तब तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई रहता ही नहीं है, नहीं रहता ना। तो अगर वहां लिखा जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन विद उसने कह दिया ऑफ ऑर्डर थ्री, तो आप क्या लिखोगे, देन इट इज आंसर इज जीरो, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर दी। बच्चे बहुत गलती करते हैं, पर्टिकुलर में मेरे पास कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा किसमें होता है, जर्नल में, और जर्नल में आगे आपको पता चलेगा कितने जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीच में आएंगे, देन यू कम टू नो कि कहाँ आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ अभी मैं ये बता रही हूँ कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की, उतने ही उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो वैल्यू अटेन कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। बात समझ आई, दिस कंप्लीट्स योर टू एक्सरसाइज 9.2 तक, ओके, प्लीज करके आओगे। अगली एक्सरसाइज डिलीटेड है, उससे अगली हमने करनी है, ठीक है बेटा, क्लियर, चलो गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।